तो शटरस्टॉक फोटो पे किस तरह के साथ मॉडल रिलीज अटैच कर सकते हो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप अगर दोस्तों किसी व्यक्ति का फोटो यूज करना चाहते हो, शटरस्टॉक पर अपलोड करना चाहते हो, तो उस व्यक्ति का आपको परमिशन लेनी होगी, जो कि कहते हैं मॉडल रिलीज। आप अगर उस मॉडल का फोटो अपलोड करना चाहते हो शटरस्टॉक पे, तो उस व्यक्ति का मॉडल रिलीज फॉर्म उस फोटो के साथ अटैच करनी होगी, तभी वो फोटो जो कि अप्रूव होगा। तो आप किस तरीके से उस फोटो पे मॉडल रिलीज फॉर्म अटैच करेंगे, इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो मॉडल रिलीज फॉर्म अटैच करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरीके से मॉडल रिलीज फॉर्म निकाल लेनी है। आप किस तरीके से निकाल सकते हो, सिंपल आप क्रोम ब्राउज़र से सर्च करो मॉडल रिलीज फॉर्म, आपको मॉडल रिलीज फॉर्म आ जाएगा, या फिर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मॉडल रिलीज फॉर्म डाउनलोड करने की। मॉडल रिलीज फॉर्म को आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। इस फॉर्म को इस तरीके से निकाल लेंगे, फॉर्म को फिल कर देनी होगी जो जो डिटेल चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरा फिल किया हुआ है, यहाँ पे मैं डिजिटली फिल किया हूँ मोबाइल फोन से। आप डिजिटल फिल कर सकते हो या फिर मैनुअल फिल करना चाहते हो, तो सारा कैपिटल लेटर में लिख के आप मैनुअल फिल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिजिटल फिल किया है, तो इस तरीके से अगर आप भी डिजिटली फिल करना चाहते हो मोबाइल फोन से, सारा कुछ सिग्नेचर वगैरह लेके उसका फोटो अटैच करना चाहते हो, तो किस तरीके से कर सकते हो, ऑलरेडी दोस्तों वीडियो से फुल डिटेल्स में बताया है इस वीडियो में। इस वीडियो को देख सकते हो कि किस तरह का मॉडल रिलीज फॉर्म निकालोगे, किस तरह का डिजिटली इस फॉर्म को फिल करोगे, कैसा फिल करेंगे डिजिटली इस फॉर्म को, और किस तरह का अटैच करेंगे मॉडल रिलीज के फोटो के साथ, सारा प्रोसेस इस वीडियो में बात किया है। तो आप अगर डिजिटली फॉर्म को फिल करना चाहते हो ऑनलाइन, तो इस वीडियो को देख सकते हो। तो मॉडल रिलीज फॉर्म को अटैच करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरीके से फॉर्म को फिल कर लेनी है, उसका डिटेल्स, उस मॉडल का एड्रेस, उस मॉडल का नाम और अपना यहाँ पे डिटेल्स डालनी है, यानी कि कंट्रीब्यूटर डिटेल्स। उसके बाद इस फॉर्म का एक फोटो क्लिक कर लेनी है, कुछ इस तरीके से इस फॉर्म का फोटो क्लिक कर लेंगे। आप इस फॉर्म का फोटो को आपको अपलोड करने की मॉडल रिलीज पे अटैच करनी होगी, तो किस तरीके से करेंगे इसके लिए चलते हैं मॉडल स्क्रीन पे, सारा प्रोसेस देखते हैं शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर अकाउंट ओपनिंग करके ऐप से। तो सबसे पहले दोस्तों आप अगर शटरस्टॉक ऐप पे लॉग इन किया है, तो शटरस्टॉक ऐप को आपको ओपन कर लेनी है। आप अगर शटरस्टॉक ऐप पे लॉग इन नहीं किया है, तो किस तरह से लॉग इन कर सकते हो, ऑलरेडी वीडियो है। जैसे कि मैं शटरस्टॉक ऐप पे लॉग इन किया हुआ हूँ, मैं शटरस्टॉक ऐप पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे थ्री मार्क वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और सबसे पहले आपको फोटो अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके अपना गैलरी पे जाके मॉडल का फोटो अपलोड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के ये है मॉडल, हम इस फोटो को अपलोड कर लेते हैं और इस मॉडल की रिलीज फॉर्म को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है, तो सबसे पहले आपको फोटो को चूज कर लेना है एंड फोटो का यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लगा लेनी है। तो चलो अपना लगा लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरा कॉपी किया हुआ है, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसका यहाँ पे टैग डालने के ऑप्शन आ जाएगा, जो भी टैग है या अपना टैग डालेंगे। तो यहाँ पे टैग भी आ चुका है। अब बात है यहाँ पे मॉडल रिलीज अटैच करने की, किस तरह का सब मॉडल रिलीज अटैच करोगे। तो जैसे कि यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है, यहाँ पे मॉडल रिलीज अटैच करना है इस फोटो पे। यहाँ पे ऐड रिलीजेस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ऐड रिलीजेस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको न्यू मॉडल रिलीज अटैच करनी होगी, तो न्यू मॉडल रिलीज अटैच करने के लिए यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मॉडल का यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे चूज कर लेंगे मॉडल रिलीज, यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलीज, जैसे कि मॉडल रिलीज, यहाँ पे मॉडल का नाम, तो जो भी मॉडल का नाम है यहाँ पे मॉडल का नाम डाल देंगे। जैसे कि मेरे केस में मॉडल का नाम डाल चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे मॉडल का एज सिलेक्ट कर लेनी है, हम यहाँ पे मॉडल का एज सिलेक्ट कर लेंगे 20 से 29 तक। उसके बाद यहाँ पे अपना मॉडल का एथनिसिटी, तो यहाँ पे चूज कर लेंगे किस टाइप की है मॉडल, आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मॉडल जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद वो फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी, जो फॉर्म आप यहाँ पे फिलअप कर चुके हो। यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, गैलरी से जाके उस फॉर्म को आप अपलोड कर लेंगे। तो जैसे कि मेरे केसेस में मैं फॉर्म को डिजिटली यहाँ पे फिल करके रखा हूँ, वो फॉर्म हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। ये फॉर्म आ चुका है और यहाँ पे एड मॉडल रिलीज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे एड मॉडल रिलीज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखो अपलोड हो रहा है, यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हो मॉडल रिलीज जो कि ऐड हो चुका है। यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जैसे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे देख सकते हो मॉडल रिलीज आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, फोटो की किस टाइप की है, हम यहाँ पे पीपल सिलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आपको मॉडल रिलीज अटैच करने का सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। जैसे आप सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे,
ये फोटो जो कि मॉडल रिलीज के साथ सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे सबमिट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो फोटो रिव्यू पे आ चुका है। ये फोटो रिव्यू होगा, रिव्यू अगर हो जाता है जो कि अप्रूव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ फोटो मेरा अप्रूव हुआ है मॉडल की, तो यहाँ पे मैंने अगर अप्रूव फोटो दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो एक फोटो यहाँ पे अप्रूव हुआ है मॉडल की फोटो। तो इस तरीके से आप फोटो को अपलोड करके मॉडल रिलीज अटैच कर सकते हो और उस फोटो को आप अप्रूव करवा सकते हो। तो आप अगर मॉडल रिलीज फॉर्म को डिजिटल फिल करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, राइट। जैसे कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मॉडल रिलीज फॉर्म फिल किया हुआ था, तो इसलिए मैं सारा प्रोसेस शॉर्टकट में ये प्रोसेस दिखाया है। तो इस तरीके से मॉडल रिलीज फॉर्म अगर फिल किया हुआ है तो इस तरीके से आप अटैच कर सकते हो उस फोटो के साथ। आई होप आप सारा प्रोसेस समझ चुके होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना इस वीडियो से। फिर भी अगर कुछ भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय।